फकीरा देवा बहरे वह बहरे मौज फकीरा देवा वह बहरे मौज फकीरा देवा बहरे वह बहरे मौज फकीरा देवा कते तो ओढ़े शाल तुशाल कते तो ओढ़े कदे तो ओढ़े शाल तुशाले कदे तो ओढ़े शाल तुशाले कदे कुकड़े पटियाली रानी वह बहरे कदे कुकड़े पटियाली रानी वह बहरे वह बहरे मौज फकीरा देवा बहरे वह बहरे मौज फकीरा देवा बहरे वह बहरे मौज फकीरा कदे तो सोवे राज महल में कदे तो सोवे राज कदे तो सोवे राज महल में कदे तो सोवे राज महल कदे सोवे गली अहीरा देवा बहरे वह बहरे मौज फकीरा देवा बहरे वह बहरे मौज फकीरा देवा बहरे फकीरों की मौज के क्या कहने, कभी आपको दर्शन करने मिले तो करिए। मैंने एक दफे वहाँ ऋषिकेश में गंगा किनारे एक फकीर को देखा था, ऐसे मस्त पड़े रहते थे। मैंने कहा महाराज जी आप कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं? अरे यही खाते हैं और यही पीते हैं, देखो कितनी सुंदर गंगा जी की हवा आ रही है। हवा नहीं खा रहे हम हवा खा रहे हैं, यही पानी पी लेते हैं, कोई लाता है वो ले लेते हैं। और ऐसे तकिया भी किसका था? तकिया भी पत्थर का था, वो पत्थर के तकिए पे मौज से सोए हुए थे। ऐसी मौज जिस फकीर के अंदर जिनकी जागृति हो जाती है, ऐसे ऐसे संतों के बीच आती है, हमारे बीच में तो नहीं आती। मैं इनको जड़ भरत जी कहती हूँ मेरा तभी तो कहते हैं कि गुड़ गुड़ बहुत बोलते हैं, अभी गुड़ बोलेंगे देखिए। रास्ते में चींटी पड़ जाती थी तो भरत जी कूद जाते थे, अब देखो चींटी के लिए कूद जाते थे। एक राजा रहुगण ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि के पास जा रहे थे, पालकी उठा करके उनके कहार चल रहे थे। सेवकों में से एक कहीं भाग गया, जो भी मिले उसे पकड़ लाओ भाई, लेके चलना है, साधक के लिए स्पष्ट आज्ञा है। राज सेवक पालकी उठाने के लिए जड़ भरत जी को पकड़ के ले आए, यह तगड़ा आया था, ठीक काम कर लेगा। आज तक स्वयं ही जो पालकी में बैठे थे वे आज पालकी उठा रहे हैं, यही उनका प्रारब्ध था। प्रारब्ध पूरा करना पड़ता है, अंतिम जन्म होने पर भी पालकी उठानी पड़ी। नीचे देखते हुए चल रहे हैं, कहीं कीड़ी हो जाए, कहीं किसी जीव की हत्या ना हो जाए। निर्भय थे, किसी का डर नहीं था। हम लोग क्या है, हम लोग पूजा सेवा तो करते हैं, भक्ति भी करते हैं, चढ़ावा चढ़ोवी भी करते हैं। अभी देखिए पंडितों पर जे चढ़ा रहे हैं, किस लिए चढ़ा रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत डरते हैं, निर्भय नहीं बन पाते, भय बहुत। अरे 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 सच्ची होता है भय। तो भक्ति भक्ति भक्त को निर्भय बनाती है, निस्संदेह बनाती है। निर्भय थे, किसी से डर नहीं था। मुझे जगत में भटकना नहीं प्रभु, अब आप अपनी शरण में कब लोगे, मेरा प्रारब्ध कब पूरा होगा। वो पालकी उठा करके चल रहे थे लेकिन कूद जाते थे, कोई चींटी होती थी। अरे क्या हो रहा है, राजा बोलता है इससे कोई पालकी चला था, क्या हो रहा है? बोली जो नया सेवक आया ना कूद कूद के आपको उला रहा है। राजा ने जड़ भरत से कहा तू बिल्कुल दुबला पतला, इतने दुबले तू ठीक तरह से कैसे नहीं चल सकता, चलना नहीं आता। रघुगण ने सोचा कि अब मैं भरत जी पर दृष्टि रखूंगा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वापिस चींटी आने के बाद फिर उछले, जो छलांग लगाई कि सिर ऊपर पालकी से, राजा का सिर ऊपर
अड़ गया, गुस्सा आ गया, सहन नहीं कर सके, अपमान करने लगे, तू तो जीते जी मरा हुआ है, समझ में नहीं आता, तुझे भान नहीं हो रहा। भस्म से छिपी हुई अग्नि जिस प्रकार दिखाई नहीं देती, इस प्रकार ब्रह्म में लीन ज्ञानी को हम पहचान नहीं सकते। दिखते ऐसे ही हैं कि जैसे हमारी तरह तुम्हारी तरह, जो अच्छा बोलते हैं, अच्छे रंग ढंग वेशभूषा में आते हैं, गेरुआ वस्त्र में आते हैं, तिलक छापा लगा के आते हैं, हम लोग उसको महात्मा मानते हैं। कुछ भी बोलने की भरत जी की इच्छा नहीं थी। राजा ने बहुत कहा, एक बार मत, तू जानता नहीं मैं रघुगण राजा हूं, बीच में क्लाइम बोल दूं। ऋषिकेश में जब मैं गई थी तो एक दिन एक लाइन पे दो संत जा रहे थे, मैं पीछे पीछे अपने घर की तरफ जा रही थी गीता भवन से, तो दोनों आपसरी में बात कर रहे थे, तो मैंने प्रश्न किया कि किसके बारे में बात करें, बोले कुछ नहीं मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। मिले मैंने कहा महाराज जी मनुष्य के बारे में आपका क्या ख्याल है, बोले कुछ नहीं मलमूत्र की मशीन है। मैंने कहा मलमूत्र की मशीन है, बोले आप लोग भी तो मशीन चलाते हैं ना वहाँ पर फैक्ट्री में, ये डालते हैं वो निकलता है, ये डालते हैं वो निकलता है, इसमें कुछ भी डालो मलमूत्र निकलेगा, कुछ भी डालो मलमूत्र निकलेगा, और क्या है, और क्या मशीन, और क्या, इसमें मलमूत्र की मशीन है। संतों के भाव देखिए, राजा रघुगण ने उनसे कहा तो जड़ भरत जी के मन में आया कि आत्मा का तो कुछ होना नहीं है, लेकिन ये मुझसे बात कर रहा है तो इसका कल्याण तो मैं कर दूं, ये मुझे कह रहा है, कितने संत की आज्ञा। भरत जी ने कहा मेरा अपमान तो कुछ महत्व नहीं रखता, पर मैंने आज इसे उठाया है। संत इतने दयालु होते, इतने दयालु होते, उनका अपमान करो तो भी अपनी किसी न किसी रूप में कृपा बरसाते रहते हैं। जगत में सत्संग की बड़ी महिमा है, चाहे जो भी हो, किंतु राजा को जब मैंने अपने कंधे पर किया है उसका उद्धार मैं करूँगा, राजा का कल्याण हो। उन्होंने राजा को उपदेश देने का निश्चय किया। भागवत के संत मितभाषी होते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने एक लाइन में कह देते हैं ना, ऐसे एक लाइन में बहुत कुछ कह जाते हैं। भरत जी ने एक लाइन कही, उसके आगे कि मैं थोड़ा सा चार पांच लाइन में दो मिनट में गुरु जी से करूंगी कि जड़ भरत जी का उपदेश ये अपने रूप में दें, क्योंकि ये खुद इतने ज्ञानी है। मैं जीते जी मरा हुआ हूं, ऐसा जो तुमने कहा है वह भी सच है, क्योंकि सारा जगत जीते जी मरा हुआ है, उसमें बैठे हुए तुम हो, वो भी तुम जीते जी मरे हुए हो। सब इच्छाओं का, सब चीज का आदि और अंत होता है, सभी को मरना है। राजन आत्मा और शरीर के धर्म भिन्न है, आत्मा निर्लेप है, आत्मा मन का दृष्टा है, साक्षी है। राजा है कौन और सेवक है कौन, ये सब व्यावहारिक दृष्टि से अपने को मान बैठे हो। ये मैं और तुम सांख्य दृष्टि से एक ही है, अलग अलग नहीं है। राजन केवल ईश्वर ही सत्य है। शरीर की पिटाई होने पर सुखी या दुखी नहीं होता, ये सब शरीर के धर्म है। शरीर को शक्ति देता है मन, और मन को शक्ति देती है बुद्धि, बुद्धि को चेतना देने वाली है आत्मा अर्थात मैं। शरीर के धर्म मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। इसके बीच में मुझे वो गुरुजी वो याद आ गई, वो अष्टावक्र जी की लाइन, जब आदमी इतना ज्ञानी हो जाता है तो वो देखता है आप अपनी तरह, लेकिन वो अंदर की तरफ से देखता है। अष्टावक्र जी राजा जनक के यहाँ गए थे, आठ जगह से टेढ़े थे, आठ जगह से टेढ़े थे, लोगों को लगा कि इतने टेढ़े, तो टेढ़ा आदमी कहीं आ गया तो एक बार तो हंसी आ ही जाएगी। अष्टावक्र जी राजा जनक के दरबार में ज्यों ही कदम रखा त्यों ही सबके सब हंसने लग गए। हंसी को देख के राजा अष्टावक्र जी को बुरा नहीं लगा, उन्होंने इतना ही कहा, संस्कृत में कहा को हंससी, मुझे मुझ पर हंस रहे हो कि कुम्हार पे, तुम घड़े पर हंस रहे हो कि कुम्हार पे, अब उत्तर दीजिए किस पे हंस रहे हैं, घड़े पे या कुम्हार पे? घड़े को जिसने बनाया तो कुम्हार, तो इस घड़े को जिसने बनाया, इस शरीर को जिसने बनाया, उस पे हंस रहे हो या इस शरीर पे हंस रहे हो? कितना सुंदर प्रश्न है, नहीं समझ में आया? तो उत्तर नहीं दे सके कि ना हम घड़े पर हंस सकते हैं ना हम कुम्हार पे हंस सकते हैं, क्योंकि कुम्हार पे हंसेंगे तो ईश्वर पर हंसता हो जाएगा, और घड़े पर हंसता मूर्खता होगी क्योंकि घड़ा कुम्हार ने बनाया। तब उसको ज्ञान हो गया कि अरे ये कितने बड़े ज्ञानी होंगे। तब राजा जनक जी ने अष्टावक्र जी से सीखा, राजन केवल ईश्वर सत्य है, बाकी सब असत्य है।
मन की शक्ति बुद्धि देता और बुद्धि को चेतना देने वाली आत्मा है। राजन मैं इसलिए चल रहा हूँ कि चीटी आदि भी पर भी मेरे पांव रखते कहीं कुचल न जाए। मेरे श्री कृष्ण सब जगह विराजमान है, इन चीटियों में भी परमात्मा है। जड़ भरत ने ऐसे विद्वत्तापूर्ण जड़ भरत जी के ऐसे विद्वत्तापूर्ण वचन को राजा ने सोचा, ना ना ये पागल नहीं है, मेरे द्वारा कितना है, तो कोई परमहंस है, मेरे द्वारा कितना अपमान हो गया, मेरे द्वारा अपराध बन गया। तुरंत पालकी से उतरे और पैर पकड़ लिया और कहा, मैं ज्ञान ही लेने के लिए कपिल आश्रम जा रहा था। और राजा रघुगण ने पूछा, यह सांसारिक व्यवहार तो सत्य है, हम इसे मिथ्या कैसे कहें? यदि वस्तु असत्य है तो उससे कोई क्रिया नहीं हो सकती, और जिस प्रकार की मिथ्या घट से जल लाना शक्य नहीं है। राजा ने कहा, आपने कहा, ये देखिए प्रश्न बड़े सुंदर हैं, आपने कहा कि शरीर को जो दुख होता है वह आत्मा को नहीं होता, क्या? पर अपने तो होता है ना, तो हमारे जैसे ऐसे ही पूछते हैं, कैसे नहीं होता, हमको ही होता है दुख, किसी और को होता है क्या? मेरे थप्पड़ मारो मेरे को होता है, मेरे कटता है खून आता है तो मेरे को ही दुख होता है, तो आपने कैसे कहा कि शरीर को दुख नहीं होता तो आत्मा नहीं कहता हूँ? मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमारे को कष्ट होता है तो हमारे आत्मा को दुख होता है, इसलिए शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध मन से, और मन का संबंध बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध आत्मा के साथ है। बात समझ में नहीं आई? अतः जो शरीर को दुख है वो आत्मा को होगा ही। चूल्हे पर बर्तन हो और बर्तन में दूध हो और दूध में चावल हो और चावल हो तो चूल्हे की अग्नि से चावल पकते हैं कि नहीं पकते हैं? हो गया ना संबंध। तो एक शरीर को होने वाला दुख तो आत्मा को होना ही चाहिए। जड़ भरत जी ने कहा कि यह मिथ्या है, आत्मा निर्लेप है। अग्नि पर रखे गए चावल तो पक जाएंगे, किंतु दूध में अगर पत्थर डाले तो वो नहीं पकेंगे, वे निर्लेप है। अब मैं यही प्रश्न गुरु जी से करना चाहूंगी कि हमारे मन, हमारा शरीर इंद्रियों से मिला हुआ है, इंद्रियां मन से मिली हुई है, मन बुद्धि से मिला हुआ है और बुद्धि आत्मा से, तो हमें दर्द होता है, तो हमें दर्द होता है, बताइए कैसे दर्द ना हो? भरत जी ने नहीं कहा था कि दर्द नहीं होता, उन्होंने कहा जिसको दर्द होता है वह नहीं है। जिसे आप जहाँ तक दर्द पहुँचता है, जहाँ तक स्पर्श पहुँचता है, जहाँ तक अग्नि से जल गर्म हो जाता है, चावल पक जाता है, ये सब केवल बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं है, व्यवहार वालों के लिए हैं। ये सब व्यवहार में सच हैं, परमार्थ में सच नहीं है। इसलिए अग्नि तत्व से कहाँ से आया, अग्नि तत्व जिस जल से आया, जल कहाँ से आया, जिस वायु से आया वो कहाँ से आया, आकाश, आकाश के बाद फिर आकाश का ही अभी पता नहीं है कि शून्य है कि है, आकाश का भी अतिक्रमण करके जब जाओगे तब पता लगेगा कि परमार्थ क्या है। तो तुम मूर्खों की तरह बात कर रहे हो, ऐसा भरत जी ने कहा रघुगण को कि तुम बनते तो पंडित हो लेकिन मूर्खों की तरह बात करते हो। अभी तुम्हें स्पर्श का था नहीं मिला कि कहाँ तक स्पर्श होता है, कहाँ तक व्यवहार है, उसके बाद परमार्थ कैसे अतीत हो जाता है, अज्ञात हो जाता है। मतलब दर्द होता है ये मूर्खों की दर्द होता, हाँ, जीवाभास जहाँ तक है वहाँ तक दर्द होता है, शरीर के साथ अध्यास जहाँ तक है वहाँ तक दर्द होता है, इंद्रियों को मैं जहाँ तक अपना मानता हूँ दर्द होता है, इंद्रियों से अतीत हो जाने पर, मन से अतीत हो जाने पर, आत्मा के राज्य में प्रवेश कर देने से सब परमार्थ है। वहाँ न आग जलती है, न हवा बहती है, न प्राण चलता है, वहाँ तो सब वही वो है, तो बाकी जीवाध्यास है जिसकी वजह से अनुभव हो रहा है। हमारा कोई नहीं, हम किसी के नहीं, माता को अपनी संतान का बोझ नहीं लगता क्योंकि मन की ममता काम करती है। तो सबसे मूल बात यह हो गई गुरुजी कि मन को आदमी अगर मन के पार चला जाए तब आत्मा का भास होगा। नहीं है, मन को छोड़ दो, उसके पार जाना क्या हुआ, वही मन को छोड़ना ही पार हुआ ना, मन को छोड़ देना ही है। और मन को छोड़ना, भक्त लोग कहते हैं परमात्मा का भजन कर, अपने मन को वहां पर लगा दो उन्हीं इंद्रियों में। अभी एक विद्वत गोष्ठी हुई थी परसाल शंकराचार्य की अध्यक्षता में, तो उन्होंने प्रश्न सेवक संघ जी ने उठाया था और प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण था कि भक्ति से सब कुछ मिलता है, भक्ति से मुक्ति भी मिलती है, भगवान भी मिलता है, भोजन भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, सब कुछ भक्ति से मिलता है, ज्ञान की क्या आवश्यकता है? तो शंकराचार्य ने सब पर दृष्टि दौड़ाई और बोले द्विवेदी जी इसका जवाब दीजिए कि भक्ति के लिए ज्ञान का क्या महत्व है।
तो हमने कहा हरिभक्त से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ईश्वर में श्रद्धा करने से सब कुछ आपको मिल गया है, तो आप उनके रूप का ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, आंखों से देखना क्यों चाहते हैं, बिल्कुल कान से सुनना क्यों चाहते हैं? कृष्ण की बोली श्रद्धा और विश्वास से ही प्राप्त हो गई है भक्ति के द्वारा, तो अब उनको ज्ञान का विषय आप क्यों बना रहे हैं? आँख से क्यों देखना चाहते हैं, कान से क्यों सुनना चाहते हैं, उनके शरीर का स्पर्श क्यों करना चाहते हैं? यही ज्ञान है, ज्ञान इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आँख से देखना, कान से सुनना, जीभ से चखना, नाक से सूंघना और त्वचा से स्पर्श का बोध करना। तो जब ये पांचों भक्ति को प्राप्त हो गए हैं, तो इनको ज्ञान का विषय बनाने की, देखने की, सुनने की आवश्यकता क्या है? तो ज्ञान की आवश्यकता भक्त को ही है, दूसरे को आवश्यकता उसकी नहीं है। और ज्ञान जिसे मिल जाता है उसकी सारी आँखें कान सब देखने लगते हैं, ये ज्ञान की महिमा है। ज्ञान और भक्ति दो नहीं है। मैंने कल कहा था कि वो ज्ञान क्या ज्ञान है जहाँ एक रोआ भी हिल जाए, एक बाल भी हिल जाए, और भक्ति क्या भक्ति है जहाँ पर अंग अंग नाच न उठे, और वो सत्कर्म क्या है जहाँ पर ज्ञान और भाव दोनों खड़े न हो जाए। वाह, सत्कर्म वही है जहाँ पर ज्ञान और भाव दोनों साकार हो जाते हैं, तो तीनों की संगति बैठ जाती है। तीनों की संगति जहाँ बैठ गई उसी का नाम समता है, उसी का नाम मन का अतिक्रमण है, उसी का नाम परमात्मा की प्राप्ति है, उसी का नाम भगवत भक्ति है, और यही परम रस है, संसार में महारास हो रहा है। जब मैंने कहा ना कि जड़ भरत जी से ही जड़ भरत जी का ज्ञान सुनने मिल जाएगा, क्योंकि देखिए संतों के रहते हुए अपन छोटी सी बात करें, हम इसके जो चीज़ हमने अनुभव नहीं करी, इन्होंने अनुभव जन्य बात कही और हमने कागज लेखी कही, वो हम कहते हैं कागज लेखी और ये कहते हैं आँखों देखी। भरतकंड के स्वामी है देवनारायण। इस प्रकार से पूरा ज्ञान देने का भाव यही था कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ये ज्ञान जड़ भरत जी ने दिया। ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, हम किसी के न कोई हम। झूठे जगत से किया किनारा, झूठे जगत से किया किनारा, हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। झूठी है दुनिया, झूठे है नाते, झूठी है प्रीति, झूठी है बातें, झूठी है दुनिया, झूठे है नाते, झूठी है प्रीति, झूठी है बातें, झूठा है रिश्तों का सारा पसारा, झूठा है रिश्तों का सारा पसारा, हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के न कोई हमारा। हो झूठे जगत पे किया किनारा, हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के न कोई हमारा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हम षष्ठ स्कंद की ओर बढ़ते हैं। जितना ज्ञान हमको लेना चाहिए उतना भवाटवी का वर्णन किया गया है,
वो वर्णन हम सब लोगों के लिए कठिन जरूर है, उसमें बहुत भाव, लेकिन इसको तो घर ही जाकर पढ़ें तो ठीक रहे। भवाटवी का वर्णन मैं खुद नहीं समझ सकी और मैं उसके बारे में क्या कहूँ। षष्ठ स्कंद की तरफ हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि यह जो आख्यान है यह मुझे बहुत पसंद है। इसमें नाम की महिमा है, ये नाम की महिमा है। नारायण जिन नाम लिया, तिन और का नाम लिया न लिया। अमृत पान किया घट भीतर, गंगा जल भी पिया न पिया। नरकों का आगे वर्णन बताया है, सब चीज के वर्णन बता के थे। ऐसा बात बताइए परीक्षित ने कहा, जिस पर चलने से मुझे नरकों में न जाना पड़े। अपने प्रवृत्ति धर्म निवृत्ति धर्म की कथा सुनाई। राजन, शास्त्र में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित बताया गया है। विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के बाद भी पाप की इच्छा बनी रहती है, उसका क्या उपाय है? राजन, मन का लेश मात्र भी विश्वास मत करो, मन बड़ा विश्वासघाती है। तुम अपना सब कुछ भगवान को अर्पित करो। न तथा यघवान राजन पूये ते तप आदि भी, यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेवे। भगवान को आत्मसमर्पण करने से, भगवत भक्तों की सेवा करने से पापी जनों की ऐसी शुद्धि पवित्र हो सकती है। राजन, तुम अपने प्राण को भगवान को अर्पित करो। फिर उसके बाद ध्यान प्रकरण बताया है 14 अध्यायों में, फिर अर्चन प्रकरण, फिर ध्यान अर्चन, और तीसरी बात पे आया नाम प्रकरण। गुण संकीर्तन नाम संकीर्तन का 3 अध्यायों में वर्णन है। गुण संकीर्तन नाम संकीर्तन, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ध्यान अर्चन और नाम स्मरण, इन 3 साधनों से भक्ति दृढ़ होती है। परमात्मा का ध्यान नहीं जाए जाए तो करना चाहिए। तीनों एक साथ ना हो सके तो कोई बात नहीं, एक पकड़ लो, चार जिसके होते हैं एक स्टूल पे, 4 उसके पहिए होते हैं, एक को खींच लिया तो पूरा स्टूल खींच सकते हो। वैसे एक चीज को अगर खींच लेंगे तो आगे बढ़ जाएगा कोई, किंतु किसी एक को तो पकड़ना पड़ेगा। मनुष्य को चाहिए अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर लेवे। नाम की महिमा इतनी ज्यादा बताई है कि नाम जिसको प्रिय हो गया, किसका? भगवान नाम। किसी एक नाम से प्रेम कर लो और उसको इतना अंदर से चिंतन करो। लोग कहते हैं नाम हम जब बहुत करते हैं, लेकिन क्या करते हैं नाम जब करते हैं? ध्यान कहीं और होता है। लोग टीवी देखते नाम जब करते हैं, कुछ काम करते हुए नाम जब करते हैं, मनाही नहीं है। नंबर 2 का है, नंबर 1 का है नाम के साथ उनका रूप ध्यान, उनके रूप का दर्शन करने से नाम जप में आनंद आता है। और नाम नामी से भी श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? नाम का महात्म्य इतना ज्यादा है कि नाम के द्वारा नामी दौड़ा आता है। कैसे? एक बार रामचंद्र जी देख रहे थे, जब सेतु बंधन हो रहा था तो सेतु बंधन में राम राम नाम लिख करके पूरा सेतु बंध रहा था। राम जी को लगा मैं सेतु नहीं बांध सका और मेरा नाम सेतु बांधता है, कमाल है यार, मतलब मैं तो ज़्यादा उससे होना चाहिए। तो राम जी ने क्या किया, एक पत्थर लिया और वो भी उसमें डाला तो डूब गया। अरे बोले, ये नाम लिख करके नल और नील दे रहे हैं, ये बंदर तो मेरा नाम लिख के दे रहे हैं और मैंने जो पत्थर लगाया वो डूब क्यों गया? उन्होंने देखा कोई देख तो नहीं रहा है कि मैंने पत्थर डाला और डूब गया। हनुमान जी महाराज वहां से देख रहे थे, आ गए, बोले राम जी, बोले हनुमान तुम देख रहे थे? बोले हाँ। बोले ये कौतुक आप छिप कर रहे थे? तो बोले क्या करूं, मुझे लगा कि मेरे नाम से ये पत्थर डूब नहीं रहे और मैंने डाला और पत्थर डूब गया। बोले राम जी, बोले हनुमान जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, स्वाभाविक ही है ना राम जी, आप जिसे खुद फेंक देंगे वो क्या तरेगा क्या कभी? आपने तो उस पत्थर को फेंक दिया, आपने उसमें डेल दिया तो वो कभी तरने वाला भी नहीं था। ये तो आपका नाम है जिसके कारण से तर गया, ये कोई उससे थोड़ी तर जाता है, उनको तो डूबना ही था। तो राम जी को पता लगा कि मेरा नाम मेरे इससे भी बहुत ज्यादा ऊपर है।
राम जी को नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी को नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी को नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी को नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी रा मूंग चावल राम जी री बाजरी, राम जी रा मूंग चावल राम जी री बाजरी, अरे राम जी रो घर को धंधो राम जी री हार, जय हो राम जी रो घर को धंधो राम जी री हार रे, अरे राम जी को नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी को नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी भाई बंधु टावर टोली राम जी रा डोकरा, भाई बंधु टावर टोली राम जी रा छोकरा, भाई बंधु टावर टोली राम जी रा डोकरा, भाई बंधु टावर टोली राम जी रा डोकरा, सगला मिल कर रे श्यामे तो राम जी के सागरे, सगला मिल कर रे श्यामे तो राम जी रा सागरे, हर श्याम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे, बीच में श्याम आ जाता है, नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी री होली नो रा राम जी रा झोपड़ा, राम जी रा होली नो रा राम जी रा झोपड़ा, राम जी रा खेता माही राम जी रा रोकड़ा, राम जी रा खेता माही राम जी रा रोकड़ा, अरे राम जी है पीछे मारे राम जी है आगे रे, राम जी है पीछे मारे राम जी है आगे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी की लीला गावा राम जी री कीर्ति, राम जी री लीला गावा राम जी री कीर्ति, बोले चाल दिख सोई राम जी री मूर्ति, बोल चाल दिख सोई राम जी री मूर्ति, शरणागत की चिंता सारी राम जी ने लग रे, शरणागत की चिंता सारी राम जी ने लग रे, शरणागत की चिंता सारी राम जी ने लग रे, शरणागत री चिंता सारी राम जी ने लग रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लग रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लग रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लग रे, श्री कृष्ण शरणम मम शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम 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 श्री कृष्ण शरणम, ओ कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नाम महाराज की जय, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। अरे जब क्या हम लोग करेंगे, जब तो किया था जनाबाई ने, जनाबाई ने जब कैसा किया आप लोगों ने सबने उसकी कहानी सुनी है, मैं शॉर्ट में कह देती हूँ। जनाबाई गोबर के उपले बनाती थी, उपले गोबर के उपले मतलब आप समझते हो, वो गोबर को ऐसे ऐसे थाप के उपले बनाती थी, जनाबाई के उपले कोई चुरा के ले जाता था तो नामदेव जी से उन्होंने शिकायत करी, उनको कहा कि मेरे उपले कैसे लाऊं मैं, सब मिला देते हैं। बोले कितनी सरल बात है, उपले ऐसे बजाओ और कान में सुनो, कान में सुनो, जिसमें से विट्ठल विट्ठल आवाज आएगी वो उपले तेरे। देखो क्या बात है, जिसमें से उपले उपले आवाज है, विट्ठल विट्ठल आवाज आएगी वही उपले तुम्हारे। उपले बनाते समय जनाबाई विट्ठल 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 की जप से ध्वनि करते थे, विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठला विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठला विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठला विट्ठला पांडुरंग विट्ठला,
कि और नाम ले, नाम में आनंद आने लगे। आप सबको आता है, पर क्या करें, नाम में आनंद आता है पर नाम तक अटके क्या जामिल तक पहुंचे। तो जीवन में कथा मार्गदर्शिका है, ये नाम महाराज को हमेशा याद रखते जाए। आज यहां से, अभी से, इसी समय से, जितनी बार अंगुली चले, जितनी बार मुंह से निकले, तो एक नाम ले लिया करो। नारायण नाम का अर्थ होता है श्रीमन नारायण, नारायण नाम का अर्थ। एक बहुत साल पहले मैं एक लेडी से मिली थी, तो उनका आदत थी नारायण खा लो भाई, नारायण पी लियो भाई, नारायण सो जावा, नारायण चाला, नारायण भाई अब नींद आ रही है, अरे नारायण ये, अरे मैंने कहती थी हर एक के आगे नारायण, नारायण चाय बन गई के, नारायण वो, अरे जैसे ऐसे लगे उनको इतनी आदत थी वो। मैंने उनसे कहा इतना नारायण आप शब्द लेते हो, बोले भाई नारायण शब्द लेना सुन, नारायण सुन बोकरे वास्ते नारायण शब्द ले बोकरा। ऐसे अपने जीवन में कोई न कोई, कोई अपनी रुमाल की गांठ बांध लेता है कि जिससे याद रहे, कोई ना कोई ऐसा नियम ले लो जिससे हर पल भगवान के नाम की याद बनी रहे और नाम लेते रहें। नाम की बहुत महिमा है, अगर नाम की महिमा सुनी करूँगी तो बहुत हो जाएगा। ये बोले इतना कोई पश्चाताप करे और जीवन में भूल हो जाए और नरक का दंड भी नहीं भोगना पड़े, ऐसा भी कोई उपाय है क्या? उस उपाय के लिए अब कथा हम प्रवेश करते हैं। अजामिल की तरह हम सब अजामिल हैं, यह जीव माया में फंसा हुआ है, जो माया से एक रूप हो गया वही अजामिल। जहाँ भी जाओगे माया साथ साथ जाएगी, माया हमारा पीछा करती है पर उसमें से हमें बच निकलना है। देखिए माया तो अलग बात है, हम तो कह रहे हैं हम अजामिल इसलिए कि हमें भगवान के नाम की याद ही नहीं रहती। अजामिल बहुत सुंदर, बहुत अच्छे सदाचारी, बहुत साधन निष्ठ ब्राह्मण थे, किंतु एक कुसंग से, एक किसी स्त्री को देख करके वो कुसंग में पड़ गए और दुष्ट हो गए और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अज का अर्थ है माया, और माया से फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। अजामिल प्रकार के पाप करके जीवन यापन करता था, और एक बार वैश्या को देखा और उसके मन से, आंखों से पाप उतर आया। पाप प्रथम आंख के द्वारा प्रविष्ट होता है। देखिए पिक्चर देखने से जितने भाव बिगड़ते हो, तब बिना पिक्चर देखे नहीं बिगड़ते होंगे, क्योंकि आंख से विषय प्रविष्ट हो जाता है। एक बार वो सबको हटा करके, कोई भगवान का नाम लेना नहीं, ये करना नहीं, एकदम बहुत दुष्ट प्रकृति के हो गए थे, मूढ़ हो गए थे। अजामिल मूढ़ हो गया, कामांध अजामिल वैश्या को लाया, उसके कितने पुत्र हुए, सब हुए, सबके साथ रह रहा था। एक बार कुछ साधु जन, देखिए संत महात्मा कभी आ जाए ना तो उनका हमेशा स्वागत करना चाहिए। उस समय ये नहीं कहना चाहिए हमको अभी टाइम नहीं है, क्या बोलना चाहिए, हमको टाइम नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा है बम्बई में ये बात बहुत कॉमन है, क्योंकि मैं इतने बरसों से, पूरा जन्म ही मैंने बम्बई में निकाला है। कोई आता है सुनिए मैं इस संत को लेकर आ जाऊँ, भाई आज तो हमको टाइम नहीं है, कल के देख लीजिएगा, कभी टाइम नहीं होती किसी को। घूमते फिरते अजामिल के पास आ गए, किसी को टाइम नहीं थी, किसी ने कहा कहाँ जाएं, कहीं प्रसाद लेने की इच्छा है। अजामिल ने कहा कि आप वहाँ बहुत अच्छा घर है, वहाँ बहुत साधुओं का स्वागत होता है। बोले कौन सा घर है, बोले अजामिल का घर है। लोगों ने सोचा हमारे पास तो वक्त नहीं, इनको अजामिल के घर भेज दिया जाए। वहाँ जा करके जो उनकी वैश्या रूपी गृहिणी थी, उसने कहा संतु संताएं आज मेरे यहाँ पे, उन्होंने सीधा बनाकर उनको दे दिया और साधु ने खाया। अजामिल ने कहा इसको किस लिए बुलाया गया, लेकिन साधुओं की, संतों की, मेरी अपनी पूरे जीवन की मेरी अपनी जो बात है वो मैं बताना चाहूँ, जिससे मुझे फायदा हुआ है, लाभ हुआ है। संत किसी के घर में भोजन करके जाएं और उन्हें आशीर्वाद न दें, ये हो ही नहीं सकता। तो ये बात हमेशा ध्यान में मैंने रखी। अजामिल के यहाँ का अन्न संत खा चुके थे, तो कुछ ना कुछ दक्षिणा नहीं दिए, तो बोले कुछ तो जिसके यहाँ का अन्न खाएंगे उसको कुछ ना कुछ देंगे। इसीलिए डोंगरे जी महाराज हमेशा कहा करते थे अन्न दान करो, अन्न जिमाओ, जीमने वाला एक बार आशीर्वाद देगा। भाई उसका मैं बुरा नहीं कर सकता, बाका घर की रोटी खाइए,
अरे कोई के घर के नमक खाया हो तो हम उससे नमक हलाली नहीं कर सकते, ये पुराने जमाने से ये शब्द निकले हुए हैं, नमक हलाली नहीं, नमक हरामी नहीं करेंगे, हम नमक खाया है। इन्होंने संत ने वहाँ का भोजन किया और इतना आशीर्वाद देने के लिए कहा कि और तो ये मानेगा नहीं, तुम्हारा जो ये बेटा हो रहा उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल के घर का जन्म हुआ और अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म होने के बाद उन्होंने उसका नाम नारायण रख दिया। उठते बैठते छोटा पुत्र था, नारायण 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 पुकारते रहते थे। विष्णु जो ही अंत समय में आया तो नारायण बेटा नारायण जरा इधर को आना, और शरीर शांत हो गया। इधर से विष्णु दूत आए, उधर से यम दूत आए। यम दूतों ने कहा कि पूरे जीवन भर इसने बहुत काम बरकार किया लेकिन हम तो ले जाएंगे। विष्णु दूत ने कहा अंत समय में जिसके मुँह से नारायण निकला हम उसे नहीं ले जाने जाएंगे। जाने निकले अनजाने निकले, अग्नि पर अनजाने भी पैर पड़ जाते हैं तो जलाता है, इसलिए भगवान का नाम अनजाने निकले हम नहीं जाएंगे। सांकेतम परिहास्यम वास्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण में शेषागहरम विदु पतित स्खलितो भग्न संदष्ट स्तप्त आहत हरिहृत्ते वशे ना है पुमान्नार्हति यातना। बड़े से बड़े महापुरुष जानते संकेत से, परिहास से, तान से, अलाप से, किसी की अवहेलना करने समय भी भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। हरी हरी शब्द, हरी शब्द बड़ा प्रिय लगता है मेरे को। हरी हरी, कोई का अंग लग जाता हरी हरी बोलते हैं। अरे चलते फिरते किसी से कहने तो जय श्री कृष्ण कर देना चाहिए, उससे नाम ले जाए। अब क्या कहें आजकल तो, किसी से बोले तो तीन शब्द बहुत बोलते हैं आजकल के नवयुग में। एक तो हाय 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 हाय, जैसे हमारे पहले हाय कब कहा जाता था, कुछ खराब हो जाता हाय 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 हाय। अरे पर क्यों, नाम है उसका, या हेलो या कुछ और भी बोल सकते हैं हाय। दूसरा अगर कुछ और बोले सकते हैं चिलैक्स, चिल, क्या चिल, मतलब ये हम उन्हें शब्दों को, इतना शब्दों में भी प्राण होते हैं हमारे। अगर अच्छे शब्द निकलेंगे तो उससे अच्छे भाव बनेंगे, अच्छे भाव बनेंगे तो अच्छा ज्ञान बनेगा। तो शब्द को सोचकर मुंह से निकालें। जिस किसी को अगर जाते ही कहेंगे माता जी आप इधर आइए तो उन्हें कितना आदर मिलेगा। हम क्या कहेंगे, उधर क्या कर रही हो, इधर आ जाओ, कौन है, कहाँ से आई है। कितना हम दुर्मति से बात करते हैं, हमारी बात करने की भाषा इतनी अच्छी है कि अगर भूल में भी भगवान नाम निकल गया तो आज भागवत हमको ये दे रही है कि भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, अब मृत्यु टल सकती है। भगवान के स्वरूप में उसकी बुद्धि स्थिर हो गई और अजामिल ने अपने जीभ से बराबर नारायण 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 दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा मुरली मनोहर घन श्याम रे भजो राधे श्याम रे भजो राधे।
एक ये बात ऐसी है कि ये जीभ को बार बार क्यों ये आज भजन लिए जा रहे हैं, ये जीभ को सुधारने के लिए। जीभ को जो खाने की आदत होती है ना, वो जीभ वो मांगती है। जीभ को श्रीखंड खिलाओ और कड़वे नीम का रस दो, क्या मांगेगी ज़्यादा? कड़वे नीम का रस मांगेगी नहीं। इसी प्रकार भगवान नाम इतना मीठा है कि भगवान नाम का बारंबार इसको रस पिलाओ, जीव को इतना ज़्यादा राम का नाम पिलाओ कि उसकी आदत पड़ जाए। और इसी प्रकार अजामिल नारायण नारायण करने लग गया, माया हुए फंसा हुआ जीव आगे उस अपने बद्ध जीव मुक्त हो गया। इस जग में कौन सी वस्तुएं त्याज्य है, तो उत्तर देते हैं जीव को अधोगति की ओर ले जाने के लिए कंचद और कामिनी ये त्याज्य हैं। इनमें जो फंसा वो माया में फंस गया। देखिए आगे प्रश्न बहुत हैं और उत्तर बहुत हैं, मैं दो प्रश्न का उत्तर देके आगे सरकती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, अभी मैं फिर करूँगी तो फिर गाने लग जाएंगे। ये महामंत्र है, अर्थ के ज्ञान सहित इस मंत्र का जाप करें। गोविंद का अर्थ है, हर जितने भगवान के नाम लेते हैं उनका अर्थ है, अगर उस अर्थ के रूप में अगर सामने ले आएंगे तो हमें ज़्यादा है। गोविंद नाम है इंद्रियों के रक्षक भगवान, आप मेरी इंद्रियों में स्वयं लीन हो जाएं। क्या? आप मेरी इंद्रियों में स्वयं लीन। हरे, हे दुखहर्ता, मैंने हरि नाम कहा कि आप हमेशा हमारे दुखों का हरण करें। मुरारे, हे मुर राक्षस के विजेता, मेरे मन में बसे हुए सब कामाग्रि क्रोध को आप दूर करें। हे नाथ, आप मेरे नाथ हैं, मैं आपका सेवक हूँ। नारायण, मैं नर हूँ और आप नारायण हैं, आप नरों में उत्तम हैं। वासुदेव, वसु का अर्थ है प्राण, मेरे प्राणों की आप रक्षा करें। ये सब अर्थ मेरे नहीं है, भागवत के हैं। मेरे को खुद को भी नहीं इतना पता था, अभी पढ़ी तो पता लगा। मेरे प्राणों की रक्षा करें, मैंने अपना मन आपको चरणों में अर्पित कर दिया। इसलिए एक बार जोर से अपन बोलेंगे उस अर्थ के साथ, श्री मतलब राधा जी कृष्ण, फिर गोविंद मतलब मेरी सभी इंद्रियों के रक्षक, और हरे मतलब हरण करने वाले, मुरारे यानी मुर राक्षस को विजेता, और हे नाथ का मतलब मेरे आप नाथ हैं, मैं सेवक हूँ, और नारायण का अर्थ नरों में उत्तम, और वासुदेव का मेरे प्राणों की रक्षा करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जो अर्थ के साथ हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज के बाद आप सब लोग इसका नाम का उच्चारण करें तो इन अर्थों के साथ करें। बाद में नारद जी मिल गए, उन्होंने नारद जी ने प्रजापति दक्ष से आदि नारायण भगवान की आराधना की। दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने कूट प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों का इन पुत्रों ने उत्तर सोच निकाला। ऐसा कौन सा देश है कि उसमें एक ही पुरुष है? ईश्वर रूप पुरुष इस देह रूप देश में बसता है। ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश तो किया जाता है किंतु बाहर नहीं आया जा सकता? प्रभु के चरण, प्रभु के चरणों में एक बार घुस गए तो वापस नहीं आ सकते। वह कौन सी नदी है जो विरुद्ध दिशा में बहती है? पहेली है, विरुद्ध दिशा में बहती है। संसार रूपी नदी, उसमें दुख और सुख, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दो दिशाओं में ये बहका कर ले जाती है। सिर पर मंडरा रहा है वो कौन सा चक्र है? वह काल का चक्र है। ऐसे ही कितने कूट प्रश्नों के साथ आगे चले आगे। अब इंद्र ने दैत्यों का एक दिन इंद्र सिंहासन बैठे हुए थे, वहाँ बृहस्पति आए, अपने सारे देवों के गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। इंद्र ने उठ करके बृहस्पति का स्वागत नहीं किया तो बृहस्पति मान की अपेक्षा करते हैं धन की नहीं। बृहस्पति ने देवों को त्याग दिया, इंद्र को शाप लगा, तू दरिद्र होगा, वो दरिद्र हो गया। किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण गुरु को कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ये लोग जितने ब्राह्मण गुरु ये मान के भूखे हैं, रुपयों के नहीं। ये प्रजापति त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ है। विश्वरूप ब्रह्म ज्ञानी तो थे, ब्रह्मनिष्ठ भी थे। काम क्रोध आदि ही दैत्य हैं
और इसके सहारे देवों ने फिर राज्य प्राप्त किया जो उन्होंने बृहस्पति का अपमान करके गवाया था। और वो किससे प्राप्त किया कि नारायण कवच से समर्थ होकर इंद्र ने असुरों की सेना को पराजित किया। नारायण कवच का पाठ आप सब लोगों को पता होगा। मैं अगर पूरा नारायण कवच का पाठ अभी करूंगी तो आगे नहीं बढ़ सकूंगी, घड़ी 6 बज रही है। तेने व सत्यमाने न सर्वज्ञो भगवान हरि पातु सर्वै स्वरूपै न सदा सर्वत्र सर्वग विदिक्षु दिक्षु वरवद्य समन्ता दंत बहिर्ग भगवान नारसिंह प्रापय लोक भयम स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा तेने व सत्यमाने न जलेषु माम रक्षतु मत्स्य मूर्ति तिर्यार दोर्गणेभ्यो वरुणस्य पाशात। जब आप लोगों के घर में मैं करती हूँ, मैं अपने घर में कभी भी कोई कष्ट आता है तो मैं नारायण कवच का पाठ करती हूँ। नारायण कवच को लेकर के मनुष्य लेता है तो सब नारायण कवच सब प्रकार के भय दुख को दूर करता है, या कोई पीड़ा आती है उसे कष्ट को हरने के लिए नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। इसकी बहुत महत्ता है, पर अपने को आगे बढ़ना है। कभी मर्जी हो तो केवल नारायण कवच की पुस्तक मिलती है वो ले करके पढ़ना चाहिए। यज्ञ मंत्र में सकाम कर्मों में थोड़ी सी क्षति होने पर विपरीत फल मिलता है। जब आप किसी से मंत्र का पाठ कराएं तो उसे जरूर से देखें कि कोई भी काम करते समय ऐसी इच्छा मत करो कि जगत मेरी प्रशंसा करेगा। यज्ञ मंत्र में ऐसी क्षति हो गई कि इंद्र की हत्या करने वाले पुत्र के बदले इंद्र के हाथों से ही मारा जाने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। इंद्र शत्रु विविधस्व इंद्र शत्रु विविधस्व शत्रु शब्द की अनुदात कर दिया। केवल सात्विक विद्वान ब्राह्मणी वेद का शुद्ध पाठ कर सकता है। मुझे तो इतना पाठ करना आता नहीं, मैं बहुत संस्कृत की आचार्य नहीं हूँ, पर यहाँ पर जितने पंडित जिनको मैं प्रणाम करती हूँ शत शत बार, ये लोग बड़ा शुद्ध संस्कृत में भागवत का पाठ करते हैं और मुझे बहुत सुनने में अच्छा लगता है। भागवत शास्त्र में केवल भक्ति ही महिमा है। कर्म करते समय एक हेतु होना चाहिए। एक ही हेतु से हमने श्रीमद् भागवत का पाठ यहाँ पर बैठाया है और ये अधिक मास में इस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम की हमको कृपा प्राप्त हो, हमारी भक्ति दिन ब दिन बढ़े, इस उद्देश्य से श्रीमद् भागवत का आप लोगों ने इसी से बैठाया ना। चलो उसी समय यज्ञ कुंड में वृत्रासुर नाम का या दैत्य उत्पन्न हुआ। नाम से तो दैत्य था और देवों को सताने लगा। सभी अस्त्र शस्त्र उसके सामने प्रभावहीन हो गए। घबराहट के मारे परमात्मा की शरण में गए। देवों को एक ही काम है, मैं भी पहले रामायण सुनती थी तो मैं यही बोलती थी, जब कभी कुछ है जय जय सुरना एक जन सुगदा एक, अरे जरा भी कुछ हुआ भगवान के पास जाओ, अरे खुद से कुछ नहीं होता था। जब कुछ तकलीफ आई चलो देवता। मैं एक दफे पूछी भी राम किंकर जी को, मैंने कहा सब जगह दैत्य बेचारे मारते हैं अकेले और देवता दन 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 चले जाते भगवान के पास, इसका क्या मतलब है? तो बोले दैत्य मतलब और देवता मतलब है, देवता है सतोगुणी, दैत्य है तमोगुणी और सतोगुणी से ऊपर भगवान होते हैं, इसलिए सतोगुण आगे भगवान के पास ही जाते हैं। घबराहट के मारे परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। वो बोले यदि दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र बना सको तो उस व्रज से वृत्तासुर मारा जा सकेगा। त्रासदायक वृत्ति भी वृत्तासुर है, वृत्ति अंतर्मुख हो जाए तो जीव ईश्वर से मिलन हो सकता है। प्रभु के भजन में वज्र सा अटल होना चाहिए, इसलिए वज्र का उपयोग किया इंद्र ने। 1 करोड़ माला का जप करने से माला में दिव्यता आती है, इसलिए कहते हैं मंत्र मूर्ति और माला कभी मत बदलो। बहुतों के मैंने देखा माला बहुत फेरा जी, मैंने कहा आपके पास माला यहाँ नहीं है, मैं आजकल है ना वो रुद्राक्ष की माला फिरती हूँ। मैंने कहा क्यों जी आप पहले तुलसी जी की फिरते? नहीं नहीं कोई ने मेरे को बोला कि ये माला फिरने से शिव जी बहुत जल्दी ना राजी हो जाते तो मैं आज के लिए फेंकती हूँ। थोड़े दिन के बाद मैं उनसे मिली आप कौन सी माला फिरते हैं? बोले आजकल वो लाल चंदन की माला होती है ना, माता जी बहुत इससे राजी होती है, इसलिए माता जी को राजी करने के लिए मैं लाल माला फिरती हूँ। ऐसे माला ना बदलनी चाहिए, माला एक ही रखी जाए, उसी के ऊपर प्रभु के ऊपर निष्ठा रखें और आगे उसी से प्रभु प्रकट होंगे। इंद्र तुम मुझ पर वज्र का प्रहार, वृत्रासुर की स्तुति मुझे बहुत पसंद है, मैं क्या करूँ, मैं वृत्रासुर की स्तुति बहुत गाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है दैत्य पर भगवान की स्तुति वृत्रासुर जैसी किसी ने नहीं करी। पुष्टि भक्त है दैत्य पर भक्त इतना कि उसे भगवान की याद निरंतर आती है।
वह इंद्र से कहता है, सामने वृत्रासुर इंद्र इधर, इंद्र तुमको मुझ पर वज्र चलाना तो चलाओ, जल्दी प्रहार हो, लेकिन तुमको मैं ये कह सकता हूं कि तुम मुझसे जीत जाओगे, लेकिन भगवान की कृपा तुमसे ज्यादा मुझ पर होगी। लौकिक सुखों की प्राप्ति का प्रयत्न सफल ना हो पाए तो मान लो कि ठाकुर जी की कृपा तुम पर ज्यादा है। प्रतिकूलता अगर जीवन में मिलने लग जाए तो सोचिए, क्योंकि भगवान ने 10 बार आगे भी कहा है कि मैं उसका धन हर लेता हूं, उसको प्रतिकूलता ज्यादा बनाता हूं। किसी ने कहा वो इतना भगवान का भक्त है लेकिन उसके इतनी बीमारी है, इतना सब कुछ है, इतना प्रतिकूलता क्यों है? भगवान ने कहा जो मेरा भक्त नहीं है उसको मैं उसके अनुकूल चीजें दे देता हूँ, क्योंकि वो कितनी भी आगे जाकर के कितनी भी योनियों में अपना पाप भुगतता रहेगा, लेकिन जो मेरे तरफ आता है उसे मैं बहुत तकलीफ देता हूँ, बहुत प्रतिकूलता देता हूँ, जिससे कि मैं उसे अपने अनुकूल बनाता हूँ। क्या करते हैं? अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रतिकूलता देते हैं। श्री कृष्ण नाम स्मरण के लिए जिस जीव की प्रभु की कृपा विशेष होती है उसका लौकिक सुख की प्राप्ति का प्रयत्न भगवान सफल नहीं होने देते। वो चाहता है कि मेरा बेटा बचा रहे, मेरा पति बचा रहे, लेकिन नहीं होता। वृत्रासुर ये देख करके श्री हरि की स्तुति करने लगा। अगर एक बार कभी आपका काम पड़े तो वृत्रासुर की स्तुति है संस्कृत में, पर उसका अर्थ जरूर पढ़िएगा। वृत्रासुर की स्तुति बहुत ज्यादा सुनती है। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय, मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय, ननाक प्रीष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर पुनर्भवं समञ्जसत्वा विरहय्यकांक्ष अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथावत् सतरा क्षुदार्दा प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दा पितृक्षेत त्वाम ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभि त्वन्मायात्मात्मजदारगेहेश स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूया। सिर्फ 4 श्लोकों में उन्होंने स्तुति करी है, पर दिल को उड़ेल के रख दिया। जो एक भक्त पूर्ण रूपेण अपने भगवान पर आसक्त होके बोलता, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा करें। पहले तो कृपा को मांगना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, कृपा को समझना ही। क्या करें, कृपा के 2-4 भजन गा लेती, पर क्या करूं। जिससे आपके चरण कमलों के सेवकों की अनन्य भाव से सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो जाए। प्राण वल्लभ, मैं आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहूं। आप इतनी कृपा करें। क्या कृपा करें? कि मैं दिन रात आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहूं, मेरी वाणी आपकी गुणगान करती रहे। वाणी गुणानुकथने, ये वाणी है ना, ये इतनी आदत पड़ी हुई है चट देने से, किसी की आलोचना करने के लिए, किसी के दोष निकालने के लिए। कई यहाँ पे ऐसे श्रोता आते होंगे, यहाँ पे पंखा ही नहीं था, वहां पे यही नहीं था, वहां पे, अरे आप किसी के गुण का वर्णन करो ना। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ, प्रभु के जो संतों के मुख से निकली हुई वाणी से मैं कह सकती हूँ कि अगर घर में भी आप किसी की भी दिन भर में 2-3 गुणों की प्रशंसा करेंगे, वहां पर लड़ाई नहीं होगी। गुणों की प्रशंसा अवश्य करें। किसी का गुण आपको अच्छा तो लगता होगा, अगर इतने बड़े हाल है, हाल में कोई चीज तो अच्छी होगी। अच्छाई पकड़ करके, चीनी की तरह मिठाई पकड़ कर, चीनी को जैसे कीड़ी पकड़ती है, ऐसे यहां से बैठे हुए हम किसी गुण को पकड़ करके अगर जोर से तो कहें कि बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय किस लिए बुलवाते हैं? जय बुलवाते हैं कि हमारे हृदय में मंगल भावना हो, हमारे हृदय में किसी के गुणों का प्रकाश हो,
लेकिन हमको तो जाना है, वो फलाने ने ऐसा किया, ठिकाने ने ऐसा किया, इतनी जग चर्चा राम राम, लेकिन वृत्रासुर ने कहा मेरी वाणी आपका गुणगान करे और मेरा शरीर क्या करे, मेरा शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। हे भगवान, आपको छोड़कर ब्रह्मलोक भूमंडल रसातल किसी मोक्ष की इच्छा नहीं है मुझे। क्या मांगा सोचो, हम सब कोई नहीं मांग सकते, वो वृत्रासुर ने मांगा। हे कमल नयन, आपके वर्णन करने के लिए, आपकी वाणी के लिए वर्णन करने के लिए मैं ऐसा व्याकुल रहूं, इतनी आतुरता रहे मेरे में जैसे पंछी पंख के बिना, पंछी आप कभी घोंसले में देखें उसके पास पंख नहीं होता, वो पंछी वहां से सारे दिन आतुर रहता कि कब मेरी माँ दाना लेके आएगी और कब मेरे मुंह में डालेगी। उस पंछी के बच्चे का मुंह ऐसे खुला रहता है कि वो आते ही उसमें दाना डाल देगी। माता की प्रतीक्षा में जैसे रत रहते हैं, जैसे विरहिणी पत्नी अपने प्रदेश से आने वाले पति के लिए उत्कंठित रहती है, हे प्रभु मेरे अंदर आज इतनी आतुरता भर दीजिए कि आपके मिलन की आतुरता मेरी घटे ही नहीं। क्या बात है, क्या है, क्या ढोलक बाजा कुछ तो देना चाहिए। प्रभु मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं, अपने कर्मों के फल स्वरूप मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़े, मैं जहां जाऊं किसी योनि में जाऊं, किसी भी योनि में जन्मूं, मुझे भगवान के प्रिय भक्त जनों के साथ की मैत्री मिलती रहे। हमारी यमुनाचार्य जी महाराज जी भी ये कहते हैं, तव दास सुखई कसंगिना भवनेश्वस्त्वपि कीट जन्म में इतरावसथेषु मास्म भू दपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना। हे नाथ, आपके दासता में आसंग रहने वाले आपके भक्त महात्माओं के घर में मुझे कीड़े का भी जन्म मिले तो मेरे लिए श्रेष्ठ है, और मुझे किसी राजा के यहाँ पे, विषय के यहाँ पे राजा बना के भी मुझे मत भेजना। ये है भगवत भक्तियों के, भगवत भक्तों के चिंतन। हमारा क्या चिंतन, हमें तो जो चीज कमती मिल जाए तो भी चिंता नहीं, मैं दासों का दास बनूं, मैं भगवान के सच्चे वैष्णवों की सेवा करूं, मैं सभी इंद्रियों से अपने भक्ति रस को प्रदान करूं, मुझ पर कृपा करो, मेरी वाणी कृष्ण कीर्तन से कभी थमे नहीं, मेरे कान आपकी कथा सुने। पहले श्लोक में वृत्रासुर की शरणागति है, शरणागति के तीन भेद हैं। पहले मैं कहती हूं मैं शरण में हूं, दूसरी गति में कहते हैं मैंने तुझे स्वीकार किया, मैं आपका हूं, फिर कहते हैं ठाकुर जी मेरे हैं। क्या मैं आपका हूं, ठाकुर जी मेरे हैं। देखिए इसमें उत्तम कौन सा है, नहीं मैं आपका हूं, क्योंकि मैं को मैं समर्पित कर रहा हूं, ठाकुर जी मेरे में मैं रह जाता है, ठाकुर जी मेरे हैं तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार रह जाता है, मैं ठाकुर जी का हूं। ये बहुत उच्च कोटि की शरणागति है। और तीसरी शरणागति जो फाइनल ज्ञानी भक्तों को हो जाती है, जग में तुम्हारे सिवा और कुछ है ही नहीं। जब घोड़ा किसी के बिक जाता है, शरणागति तो बहुत ऊंची स्थिति है, अपने को प्रहलाद जी तक पहुंचना है, किसी के अगर गुरुजी घोड़ा बिक जाए तो घोड़ा थोड़ी चिंता करता है कि मेरे को दाना पानी कौन देगा, घोड़े ने को जिसने खरीदा है वो उसके दाना पानी की चिंता करेगा। तो शरणागति की उच्चतम अवस्था है, शरणागति की उच्चतम अवस्था है कि उसके घोड़े को खरीदने वाला उसकी चिंता करे, उसके खरीदने वाला उसकी चिंता करे, तब वो शरणागति की अवस्था है। तो घोड़े की तरह निश्चिंत हो जाना चाहिए, तभी जाके शरणागति की परम अवस्था आती है। परीक्षित ने पूछा, ऐसे महान भक्त होने के बाद भी वृत्रासुर को राक्षस की योनि क्यों मिली। राजन, वो वृत्रासुर पूर्व जन्म चित्रकेतु राजा था। अब मैं चित्रकेतु राजा की कहानी यहीं से आगे बढ़ा करके, आप सबको पता होगी, अब मैं सप्तम स्कंद की तरफ प्रवेश कर